के बने दा भंडारे च भंडारे च सब कुछ बने नहीं नहीं दसो पी भी के बने दा राजमा बने वे अंबल बने वे हाय 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 तुस्ते सवाल है ये भी मेरा बस पहुंच ही गए हम देख सकते हैं वो राम मंदिर और वहां नीचे से आए हैं हम चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया तो दोस्तों आज हम आए हैं नई लोटा की साइड और हम जा रहे हैं मोमाया टेंपल। हाँ जी ये माता का मंदिर है तो किसी ने लिखा है कि चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है शायद हमें बुलावा आ गया है आज तो इसलिए हम जा रहे हैं मोमाया मंदिर तो अपडेट करते रहेंगे आपको रास्ते रास्ते में कि किस तरह का रास्ता है और कैसा मंदिर है तो चलिए मिलते हैं आगे। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना अब तो आ रहा सुबह रही बारात करना बार बार तो दोस्तों भी थोड़ा सा नहीं चले तो दोस्तों की हालत ख़राब हो चुकी है यहीं पे बोल रहे हैं रेस्ट करनी है तो भी ये रेस्ट कर रहे हैं भाई थक गया क्या नहीं भाई मैंने खाया दोस्तों अभी हम आधे रास्ते पे पहुंचे थे तो हमें यहाँ पे कुछ मित्र मिल गए अपने तो एक से हम आपकी बात कराएंगे तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे ठंडी छाएं भी है धूप भी बहुत है तो आपको कैसा फील हो रहा है What? Bro, what are you talking about, man? तो ये कुछ कह नहीं रहे शायद से इनका लंच का टाइम है तो इनसे पूछ के देखते हैं तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है कुछ कहेंगे प्लीज और अभी हमारा लंच का टाइम है कुछ समय बाद बात करेंगे तो आधे टाइम हम आपसे इनकी बात कराते हैं तो आधे से थोड़ा कम रास्ते तक यहाँ पे रोड बना हुआ है तो कुछ लोग गाड़ियाँ लेके भी आए हैं यहाँ पे देख लो कितनी गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे बस आप यहाँ तक ही गाड़ियाँ लेके आ सकते हो उसके आगे आपको पैदल ही ट्रैवल करना पड़ेगा तो यहाँ से स्टार्ट होता है जो गाड़ी लेके आते हैं उनके लिए पैदल रास्ता तो हम तो भाई नीचे से पैदल आए हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ तो अभी हम ट्रैवल कर ही रहे थे तो रास्ते में हमारे कुछ पुराने मित्र मिल चुके हैं भाई क्या हाल है भाई देख सकते हैं हमारे पुराने मित्र हैं जो दर्शन करके आ गए भाई आपने क्या मांगा भाई आपने मंदिर से क्या मांगा भाई मंदिर से कुछ मांगने नहीं आते हैं यार श्रद्धा से जाते हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही भाई आपने क्या मांगा हमने कुछ नहीं मेरे गर्लफ्रेंड मांगी अपने लिए हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे बिल्कुल सही पर उन्होंने सही कहा कि कुछ मांग ही नहीं गए श्रद्धा से गए बहुत ही अच्छी बात कही तो दोस्तों अभी हम आधे ही रास्ते पे पहुंचे तो यहाँ हमें भंडारा मिल गया यहाँ पर उन्होंने पानी चाय और फ्रूट चाट लगा दिया चलिए कुछ जो सेवादार लगे उनसे आपकी बातचीत कराते हैं कि कब तक चलेगा और किसने लगवाया तो भाई जी आपका नाम आकाश सिंह तो कब से लगाया आपने ये जो ये तो अब 9 दिन चलेगा तो भैया आपका नाम कब तक चलेगा ये भंडारा ये भंडारा तो चलता रहेगा 9 दिन 9 नवरात्रों में यहाँ खाली आज के दिन तो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं ये 9 नवरात्रों तक ये भंडारा चलेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे चाय भी है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये तो देख सकते हैं पैदल रास्ता है यहाँ से लोग आ रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बैठने का इंतजाम किया है तो अपने भाई लोग लगे हैं सेवा करने के लिए तो ये पानी की बोली है यहाँ से पानी यूज़ कर रहे हैं पानी एकदम फ्रेश है तो ये पकोड़े हैं ये बर्त वाले पकोड़े हैं ये बर्त वाले पकोड़े हैं जिन्होंने बर्त रखा वो भी खा सकते हैं तो फ्रूट है सब कुछ बर्त वाला बहुत ही अच्छा काम हो रहा है तो देख सकते हैं पीछे भी कुछ हमारे भाई के लगे हुए हैं भाई आपका नाम ये भाई सुबह से आया 4 बजे से इनका नाम है अभिषेक सिंह तो अभी हम आपको आगे मिलते हैं भैया आप चाय पियो भैया चाय दे रहे हैं चाय भी देसी है भाई अपनी देख सकते हैं भाई चाय पकोड़े भाई मजा ही आ गया भाई भाई खा लेता हूँ भाई खा लेता हूँ थोड़ी सी दूर पहुंच गए थे तो
सारे बोल रहे हैं कि प्यास लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मम्मी है, मम्मी बोलती कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक खोलेंगे और सबको पिलाएंगे। थम्स अप। मजा आया, रेस्ट होगी अपनी खत्म और अपनी गैंग जाने को तैयार है आगे। यार यहाँ पे एक चीज बहुत गंदी लगी, आपने देखा यार शूट में लोगों ने कहीं कहीं जगह जगह पे खा खा के गंद फेंका हुआ है। यार ये बहुत गंदा लगता है यार, कोई सफाई थोड़ी करेगा यहाँ के, ये चीज इधर ही पड़ी रहेगी, तो ये बहुत गलत है यार। ये देख सकते हैं कितने गिलास फेंके, लोग आते हैं थक जाते हैं यहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गिलास यही छोड़ देते हैं। भाई मैंने भी पी पर गिलास बैग में डाले हैं। ये बहुत गलत है यार। थोड़े से रास्ते पहुंचे भाई, व्यू देखो यार, पूरी एकदम स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आ रही है यार, ऐसा लग रहा भाई हम स्विट्जरलैंड आ गए हैं यार। भाई भाई ये देखो भाई, पूरा एकदम मस्त स्विट्जरलैंड लग रहा है, बस बर्फ पड़ जाए यहाँ पे, बस एक बार बर्फ पड़ेगी तो बस भाई मैं ऐसे को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। भाई देख सकते हो यार, भाई एक बकरी है शायद, घोड़ा है वो देखो, वो भाई साहब बहुत ही दूर है, मेरा जूम नहीं जाएगा उतना, तो चलो अब आगे मिलते हैं हम आपको। तो दोस्तों अभी बस ये पहली पहाड़ी है, इसके बाद एक और पहाड़ी आएगी, पहले इस पहाड़ी में चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर जो दूसरी पहाड़ी आएगी उस पर चढ़ना है, उस पर चढ़ते ही हमें मिल जाएगा मंदिर, वहीं होंगे हमें माता के दर्शन। तो देख सकते हैं लोग कैसे कैसे चढ़ रहे हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं यार, चलिए धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे वहाँ पर, ज़्यादा दूर भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं है, तो चलिए चलते हैं। तो भाई कर लिए हमने लास्ट पहाड़ी, हमारे बिल्कुल सामने, बस ये क्रॉस करने तो ऊपर हमें मिल जाएगा मंदिर, तो वो टॉप में मंदिर है, बोली जय माता दी, तो बिल्कुल टॉप में मंदिर देखते हैं, लोग जा रहे हैं ऊपर को, बस अगर ये पहाड़ी चढ़ ली तो समझ लीजिए हमें हो गए दर्शन। भाई तो वहाँ से जो व्यू आता है बहुत ही खतरनाक, वो भी हम आपको दिखाएंगे, हमारा क्रू मेरा हमेशा हमारे साथ, भाई उन्हें कभी नहीं बोला मुझे इतना बैठ चुकाया, वो है क्रियो मेंबर हो तो ऐसे, तो चल रहे हैं हम। इस बार जागरण भी चल रहा है ऊपर, भजन लगा बहुत ही पॉपुलर, जो जम्मू के लोगों को पता ही होगा कोमल शर्मा का भजन है, भाई साहब जी मचेल मेला, भाई क्या ही। अभी यहाँ से हमें इतना मतलब मज़ा आना स्टार्ट हो गया, जब ऊपर पहुंचेंगे तब क्या मजा आएगा यार। हाँ भाई बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, तो ऊपर जाके एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत भंडारा भी लगा है, थोड़ा भंडारा भी खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, खिलाएंगे, अगर खिला सकते तो खिला भी दे देते हैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो भाई आपने क्या मांगा माता से? भाई शर्म कर गया यार, भाई आपने इन्होंने मांगा कि इनको सतबुद्धि आए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अंकल जी जय माता दी। जय माता दी। अंकल जी क्या लग गया मंदिर आइए? मंदिर ठीक ठाक लगे, भंडारा लगे था ऊपर, भंडारा लगे, वो खाई खुई है रोटी और बाकी सब ठीक ठाक? ठीक ठाक, ठीक ठाक। जय माता दी, जय माता दी। तो भाई पहले हमें स्विट्जरलैंड का नज़ारा दिख रहा था, वो ऐसा लग रहा है भाई हम न्यूजीलैंड में आ गए यार, भाई ऐसा लग रहा है अपना पासपोर्ट और वीज़ा लग गया, हम फॉरेन के टूर कर रहे हैं यार। भाई देखो पूरा न्यूजीलैंड वाला व्यू आ रहा है, यहाँ पे टूरिस्ट हट भी है, ये देख सकते हो, टूरिस्ट हट बने, ऐसा लग रहा टूरिस्ट हट बने यार, भाई पूरा न्यूजीलैंड का व्यू आ रहा है यार, भाई देख सकते हो यार, मस्त कमाल की जगह भाई, भाई फुल पैसा वसूल जगह भाई, भाई देख सकते हो ऊंचे ऊंचे बूटे हैं जिनको दरख्त भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर, बिल्कुल ही करीब हम मंदिर के, बस ये लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद हमें मंदिर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, हम थक चुके हैं पर ये लगातार चल रहे हैं। तो बेटा कहाँ जा रहे हो आप? मंदिर, क्या मांगोगे मंदिर से? इस साल हो गए, अगले साल पास करना, आप क्या मांगोगे मंदिर से? बच्चे शर्म कर रहे हैं। तो आंटी जी आप कहाँ से आए हैं? तो बटल वाली से आप इधर आए हैं, पहले आ चुके हो या पहली बार आ रहे हो? ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, जय माता दी। क्रू मेरा मेरे साथ बैठा हुआ है,
थक चुके हैं हम सब, तो बस मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में हम मंदिर के पास पहुंच जाएंगे, भंडारा खाएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ लोगों से बातचीत कराएंगे आपकी, उनको कैसा लग रहा है मंदिर आके, रास्ता कैसा है। तो चलिए अब सीधा मिलके आपको मंदिर के पास। अंकल जी और दर्शन करिए, आइए। तो किए हुए दर्शन, भंडारा भंडूरा खादा, के बने था भंडारे च? सब कुछ बने। नहीं नहीं दसो पी के बने था? राजमा बने हुए, अंबल बने हुए। आए हाय हाय, तुसते सवाल है ये भी निराशा ऊपर। जय माता दी। फिर बस पहुंच ही गए हम, देख सकते हैं वो राम मंदिर, और वहां नीचे से आए हम, हमने स्टार्ट किया था वो, ये जो लाइन सी दिख रही है आपको ये सामने, यहाँ पे हम उतरे थे मेटाडोर से, जो मिनी बस होती है, तो वहां से चल के हम आए यहाँ तक। दो पहाड़ियाँ या पता नहीं कितनी पहाड़ियाँ क्रॉस की, जितनी भी की याद नहीं रहा, मन में थी आस और था विश्वास। जय माता दी। तो अब मिलते हैं सीधा ऊपर जाके। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मंदिर के अंदर, देख सकते हैं वो एंटर गेट है, तो यहाँ पे नीचे चल रहा है भंडारा, तो ऊपर है वो मंदिर, यहाँ पहले हम दर्शन करेंगे फिर हम आएंगे नीचे भंडारा खाने। तो दोस्तों वहीं पे चल रहा है जागरण, देख सकते हैं वहां भी हम आपको ले चलेंगे, और ये लाइन लगी है काफी लंबी दर्शन करने के लिए, दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, देख सकते हैं। तो वो सामने देख सकते हैं वो अपनी उधमपुर सिटी है, जो बिल्कुल छोटी सी दिख रही है, तो ये अपना पीछे जो गाँव वगैरह आ गए, तो वो काफी धुंधला सा दिख रहा है, वो अपनी जम्मू सिटी है, और एक कटरा वाला पहाड़ है बिल्कुल सामने, ये भी धुंध से गिर हो चुका है, ये भी नहीं दिख पा रहा है, तो मेरे क्रू मेंबर नीचे। तो चलिए ले चलते हैं सीधा मंदिर के पास आपको। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, देख सकते हैं ये मेन गेट है, यहाँ माता स्थापित है, देख सकते हैं सच्चे दरबार की जयकारा म शेरा वाली दम, जयकारा म जोता वाली दम। तो आई हुई सारी संगत को मेरी ओर से जय माता दी और महामाई की। ये अब आ गया भंडारे में, ये आ गया अपना राजमा, ये आ गया साथ में अंबल, और ये आ गया कड़ा एज अ स्वीट डिश। तो अब हम बैठ के कहीं पे इसको खाएंगे, लगी है जोरदार भूख, तो चलिए मिटाते हैं अपनी भूख को। तो हमारा क्रू आखिरकार पहुंच ही गया था ऊपर महामाया टेंपल, हमने यहाँ बहुत ही इन्जॉय किया, जागरण सुना, भंडारा खाया, जो हमारे क्रू के बंदे हैं बहुत सहयोग दिए उन्होंने सामान ऊपर नीचे लाने में, ये हमारे छोटे विशाल जी। तो थोड़ा वापसी का भी दिखा देंगे, और ऐसे ही खतरनाक वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को आप
सब्सक्राइब कर देना और बहुत बहुत शेयर करना। तो अगर आप मंदिर के सहयोग के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए कुछ अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि मंदिर के विकास के लिए अपना सहयोग दें। तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इनका एक ट्रस्ट भी है मंदिर का, तो उनका अकाउंट नंबर भी है नीचे, उसके भी हम बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो यही है वो ट्रस्ट का अकाउंट नंबर और IFSC कोड, यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं वापिस, चलते हैं अब घर की तरफ। हमारे साथ हैं हम एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है स्वयं जी का नाम है। तो स्वयं जी कहाँ से आए आप? जम्मू। तो जम्मू से आप यहाँ आए हैं, तो क्या मांगा आपने माता से? पढ़ाई। पढ़ाई से आपको, पढ़ाई क्यों मांगी, क्या फायदा होगा आपको पढ़ाई का? इनका कहना है कि इनको पढ़ाई से जनरल नॉलेज मिलेगी, बहुत बहुत अच्छा। और एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। मैं, मेरी उम्र लगभग हो ही गई है 19-20 के पास, मैं जॉब के लिए तरस रहा हूँ। और आपकी एज क्या है? और ये 11 की उम्र से ही इनको जॉब की टेंशन पड़ गई है, कैसे मैं अपना घर पालूंगा, अगर जॉब नहीं होगी तो क्या होगा मेरा। बहुत ही जोरदार तालियां। मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जॉब निकालें, ताकि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को जॉब की टेंशन ना पड़े। जय माता दी। तो अभी हम वहीं पहुँच गए थे, यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी, बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया। अब आपको सीधा नीचे ही मिलेंगे हम। दोस्तों हम वापिस रोड में आ चुके हैं, अब हमने खाली यहाँ से पढ़नी है मेटाडोर, और मेटाडोर हमें घर की तरफ पहुँचाएगी। मेरे क्रू ने मेरा बहुत साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अनिल जी, बागेश जी भी, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और ये श्री राम, कुछ काम ही नहीं आया बंदा, तो इसका क्या बोले हम। तो हमारा क्रू कहीं भी शूटिंग कर सकता है, अगर आप कहीं शूटिंग करवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999999। धन्यवाद।